आने वाले सप्ताह का भविष्य क्या होगा वो दर्शाने जा रहा हूँ। सिंह राशि वालों के लिए आपके लिए आपका व्यक्तित्व में निखार आ रहा है, ऊर्जा शक्ति बढ़ रही है और आपके जो है सो मान सम्मान चारों ओर प्राप्त हो रहा है। ये सप्ताह बोलो परिपूर्ण रहेगा। आपकी संतान जीवन के लिए बहुत सुखद समाचार दिख रहा है और साथ साथ में आपके जो तो प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आ सकती है। टूटे हुए संबंध जुड़ रहे हैं और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो सर्वोत्तम समय है, पढ़ाई में मन लगेगा और उनके रख रखाव में पढ़ाई से संबंधित कार्य आपका अच्छा होने जा रहा है इस प्रकार से। लेकिन भाग्य की थोड़ी चिंता बनी हुई है, इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो सिंह राशि वालों के लिए बताया और आपके जो है सो रोगों का विनाश हो रहा है। पुराने रोग थोड़े कष्ट दे रहे थे वो आज थोड़ा सा समन हो जाएंगे इस सप्ताह में, और इस सप्ताह में रोगों की शांति समाप्ति होने वाली है। रोगों की शांति होने के साथ साथ आपके जो है सो जो विरोधी जन हैं वो प्रकट में प्रकट दिख रहेंगे आपको। लेनदार देनदार दोनों प्रकार के व्यक्तियों से मुठभेड़ होगी, जिसमें लेनदार से कुछ विवाद हो सकता है। जो पैसा लेने के लिए आए हैं उनसे विवाद से सावधान रहें, पुराना कर्ज आपके लिए कष्ट दे रहा है वो कष्ट देगा। इस प्रकार से सिंह राशि वालों के लिए ये बताया। और मंगल देव जो है सो आपकी राशि से मंगल कहाँ चल रहे हैं, मंगल जो है सो बहुत अच्छे जो है सो अष्टम भाव में चल रहे हैं। अष्टमी मंगल क्या कर रहे हैं, अष्टम मंगल अचानक दुर्घटना का कारण बने हैं। थोड़ा सा सावधानी से वाहन चलाएं, दुर्घटना घूम करके बोल कर नहीं आती, इसलिए दृष्टि हटी दुर्घटना घटी वो इसका ध्यान रखें। और थोड़ा सा किसी से विवाद से बचें, कोई विवाद पुराने जो शत्रु हैं वो आपको विवाद में फंसा सकते हैं, किसी योजना में फंसा सकते हैं, उससे भी आप सबको सावधानी रहना है रखना है। और आपके जो सिंह राशि वालों के लिए अपव्यय के साथ साथ में गवर्नमेंट से संबंधित जिनका कोर्ट मुकदमा चल रहा है उनको कुछ थोड़ा सा विरोधात्मक रूप सहन करना पड़ेगा। और आपके बाएं नेत्र में तनाव आ सकता है, लालिमा बाएं आँख में हो सकती है। साथ साथ में आपका जो है सो सरकारी कार्यों में खर्च होने का योग भी है इस सप्ताह में, सरकारी कार्यों से थोड़ा आपको सावधान रहना है इस प्रकार से। और जो है सो सिंह राशि वालों के लिए सबसे अच्छा क्या है कि आपको एकादशे सर्व लाभम, राहु आपके ग्यारह में चल रहे हैं, अच्छा लाभ देने वाले हैं, लाभ प्रचुर मात्रा में इस सप्ताह देंगे, इसलिए लाभ का जो मार्ग आपका प्रशस्त बन रहा है। और बड़े भाई बहन इन सब को थोड़ा सा तकलीफ आ सकती है और इनसे विवाद भी हो सकता है। इन प्रकार से सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह का मैंने आपको वर्णन किया, मंगलमय यह सप्ताह बीते। हरिओम। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828913229। धन्यवाद।
हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828। धन्यवाद।